हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का नया चैप्टर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका बहुत ज्यादा यूजेज है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे जीरो से लेकर के और टॉप लेवल तक, जो टेंथ स्टैंडर्ड तक है, उसके बाद ही जाएंगे जीरो से टॉप। आपने नाइन्थ में प्रोबेबिलिटी पढ़ा और दस में भी प्रोबेबिलिटी है, और आपको ग्यारह में प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, बारह में प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो नाइन्थ में पढ़ा है एक्चुअल तो बेसिक था, यहां पर जो पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या है ये डिस्कस करते हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज है। अब आगे की तरफ डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी एक्शन में क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी है टू मीजर द अनसर्टेनिटी क्या मीजर करना है, अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को मीजर करना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या चीज है, जैसे हम एक डाइस को थ्रो किया और सपोज दैट वी हैव टू फ्रेंड्स, एक आपके पास लूडो का गेम जानते ही होंगे, लूडो में चार कॉर्नर होते हैं। इस लूडो में इस बंदे के पास में यहां पास एक इसका टोकन, इसका जो नंबर है, ठीक है, ये आपके पास हिसाब इसको कहते हैं डिस्क रख कह सकते हैं इसके पास। ठीक है, ये और जबकि इस बंदे के पास यहां पास वाले के पास में सामने की तरफ अगर देखा जाए ये यहां पास रखा है। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं हम राहुल और इसका नाम लिख देते हैं अमित। और अमित और राहुल में क्या फर्क है, अब अमित को लास्ट, ये सब लास्ट आपके पास में गेट है, एक तरीके से लास्ट पॉइंट है जीतने का या हारने का। तो हम अमित के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल बात करें हम ये लास्ट जीते हैं। ठीक है, चार जीत का गेम होता है, हर एक पार्टी को चार चार गिट अंदर डालनी होती है। तो मान लेते हैं तीन गिट जा चुकी है, तीन पॉइंट इसके जा चुके हैं, इसके भी तीन पॉइंट जा चुके हैं, लास्ट पॉइंट इसके जाने के। अमित को जबकि दो चाहिए अंदर डालने के लिए और राहुल को और अमित को छह चाहिए अंदर डालने के लिए। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और जबकि जबकि राहुल को टू चाहिए अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से अमित को क्या करना होगा, अमित रोल द डाइस, अमित को चाहिए छह, अमित रोल द डाइस, अमित रोल करता डाइस को एंड गेट डाइस को रोल करने के बाद पाता क्या है पांच। ठीक है, अमित पाता है पांच को, जबकि राहुल क्या है रोल करता है डाइस को, राहुल रोल करता है डाइस को और राहुल पाता है थ्री। ठीक है, तो अब राहुल क्या करेगा, राहुल तो आगे बढ़ नहीं सकता है, जबकि अमित जो है वो अपना टोकन यानी अपनी गीत पांच को
कॉलम यहां से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 यहां लेकर के चला है, यहां पास लाकर के रख देगा टोकन को में, ठीक है। जैसे ही यहां पास लाकर के रखेगा तो होगा क्या, ठीक है, वो उसकी हीट अंदर चली जाएगी, ठीक है। जैसे उसकी हीट अंदर जाएगी और दो निकल जाएगा। अब सपोज ये हमारे पास टोकन है, इसको दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, ठीक है। तो जबकि इसको पांच चाहिए था, छह से यदा छह नहीं आया, इसका मतलब ये सेल हो गया, और इसको भी दो चाहिए था, ये नहीं आया, इसको सेल हो गया। तो अब ये जो आपके पास अनसर्टेड थी, जब इसको डाई को रिजल्ट थ्रो किया, जैसे डाई को थ्रो किया, इसको फाइव चाहिए था, लेकिन जरूरी है कि पांच आ जाए, क्या फिक्स था पांच आ जाए। तो ये जो आपके पास अनिश्चित है, इसका कोई वो नहीं है, मिजा वो नहीं वैल्यू कि हमेशा पांच आता है, लेकिन अगर देखा जाए इसी जो सिक्स के आने की जो अनसर्टेनिटी है, सिक्स आएगा कितना आएगा, कितना चांसेस है सिक्स के आने के, या हम थ्री टू के आने के कितना चांसेस है, इन्हीं चांसेस को मेजर करने के लिए, यानी अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए, इसकी जो अनसर्टेनिटी है छह आने की, दो आने की, इसी छह और दो को कितना चांसेस है, छह और आने और दो आने की, इन्हीं के चांसेस को मेजर करने को ही क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। यानी टू मेजर द आउटकम्स ऑफ सिक्स, टू गेट द सिक्स, एंड सो राहुल क्या करे, दो कितना चांसेस है राहुल को दो आने का, कितना चांसेस, कितना परसेंट चांसेस है कि राहुल दो पा जाएगा, उसी को पाने की जो मेजरमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए और भी हमारे पास बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जस्ट थ्रो ए कॉइन, एक कॉइन को थ्रो करें, कॉइन को थ्रो करने के बाद में कॉइन के दो ही फाइट हुए, एक है डेड और एक है डेड, दो बंदे दो टीम वाले खड़े हैं, उनमें से एक बंदा को चाहिए या जीत या हार, हर एक कोई जीत या हार चाहिए। तो अब उसमें से कॉइन को छाला गया, अब कोई नहीं बता सकता कि कॉइन पे क्या गिरेगा, तो वो एक प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि हमको हेड आएगा, तो प्रिडिक्शन ही, उस प्रिडिक्शन को कितना परसेंट सही हो सकता है, कितना परसेंट नहीं सही हो सकता है, उस प्रिडिक्शन को मेजर करना, मतलब उसकी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या निश्चितता को मेजर करना, होना आना या ना आना को मेजर करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड आएगा या नहीं आएगा, टेल आएगा या नहीं आएगा, कितना परसेंट, कितना चांसेस आने का, उसी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, प्लेन कार्ड, क्या है भाई प्लेन कार्ड, इस प्लेइंग कार्ड में, प्लेइंग कार्ड का और हम आगे पढ़ेंगे, बट प्लेइंग कार्ड में अगर देखा जाए तो कितने पत्ते होते, काउंट कर लीजिए, अगर आपके पास सबके पास प्लेइंग कार्ड होगा, जिसे हम सात की गड्डी भी कहते हैं, ठीक है, ये है आपके पास में प्लेइंग कार्ड, इसमें हम प्लेइंग कार्ड कहते हैं, इसमें दो कलर के पत्ते होते हैं, पत्ते दो कलर के होते हैं, एक रेड होता है और एक होता है ब्लैक, इन रेड और ब्लैक को मिलाकर, यानी 26 ब्लैक रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो 52 कार्ड्स आ जाते हैं। तो प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52, ठीक है। अब इनमें से आपको एक कार्ड निकालना है, वो कितना परसेंट चांसेस है आने का, ये कार्ड का कितना परसेंट चांसेस है आने का, उसी को मेजरमेंट, इसी मेजरमेंट को कितना परसेंट चांसेस है आने का, इसी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी जरूरी यही कार्ड आ जाओ, उसका दूसरा है, ठीक है। तो इस कार्ड को के एक पत्ते को निकाला गया है, इस पत्ते को आने, यानी इस कार्ड का आने का कितना परसेंट चांसेस है, इसी चांसेस को मेजर करने को क्या कर, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, यहां पास वो टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट,
And एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो सोच समझ करके नहीं किया जाता, जैसे जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती है। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, फिजिक्स लैब में जाते हैं, आपको पढ़ा दिया जाता है कि आपका केमिस्ट्री लैब में गए, आपको पहले से बता दिया जाता है कि केमिकल ये लीजिएगा, क्वांटिटी इतनी लीजिएगा तो ये चीज बनेगा, ठीक है, ये चीज बनेगा। वो पहले से पता है कि अगर मैं ये चीज डालूंगा तो मुझे यही मिलेगा। वो एक्सपेरिमेंट आपका रैंडम नहीं हुआ। और आगे की तरफ अगर बढ़े, फिजिक्स लैब में जाते हैं तो आप टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्शन, टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्शन, टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, मतलब आपको ये सब रेजिस्टेंस मेजर करना है या फोकल लेंथ मेजर करना है, तो इन फोकल लेंथ मेजर करने और रेजिस्टेंस को मेजर करने ये सब पहले से डाटा पता है। क्या चीज करना और कितना आना चाहिए ये चीज पहले से ही आपको एक्सप्लेन है, मालूम है। और जब पहले से मालूम है तो ये फिक्स एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आना है, जो करेंगे, वो पहले से आपको नॉलेज में है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको हमें पहले से नॉलेज नहीं है, जस्ट लाइक टू केमिकल्स हम लेते हैं और हमको पता नहीं क्या ये केमिकल्स क्या चीज है, केमिकल्स क्या चीज है, आपको मालूम है कि किस रेशियो में मिक्स करना नहीं मिक्स करना है, उठा करके मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हो सकता है कुछ और बन जाए, जो चीज आपको चाह रहे हैं, जो चाह रहे हो वो चीज ना बने, ये कुछ और बन जाए, ठीक है? तो वो चीज तो आपको पता नहीं है, जो चीज बना हुआ है वो चीज तुमको पता नहीं था पहले से। जब पहले से नहीं पता था इसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट, जिस भी डाटा के बारे में पहले से आपको नॉलेज नहीं है और वो डाटा आपको एक्सपेरिमेंट करने के बारे में मालूम पड़ जाए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम पड़े, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम पड़े, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर कहते हैं बारिश कर, जस्ट लाइक कल बारिश हुई, हमने डाटा को कलेक्ट किया और बोला कल बारिश होगी। अब कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कल बारिश हो गई तो हमारी खुशनसीबी, और अगर नहीं हुई तो हो सकता है बैड लक। बारिश होना ना होना ये कितने परसेंट चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस नहीं, ये वेदर के डाटा को कलेक्ट करके बोला जाता है। कभी कभी वेदर के चांसेस होते हैं बारिश होने के और फिर बारिश नहीं होती। आप अपने विलेज में या अपने सिटी में देखते हैं कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, जस्ट लगता है कि बारिश एक डेढ़ घंटे के अंदर हो जाती है, और आप ये देखते हैं कि पूरे डे बीत जाता है, बारिश नहीं होती। आपकी वजह से वहां पास आराम हो जाती है। आपने वेदर का नेचर देखा, वेदर के नेचर की वजह से आपने प्रेडिक्ट किया कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती। तो ये अनसर्टेनिटी है, प्रेडिक्शन आपकी जो है कितना परसेंट करेक्ट हुई है और आपकी नहीं करेक्ट हुई है, इसी प्रेडिक्शन को या अनसर्टेनिटी को मेजर करना ही हमारे लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। और एक्सपेरिमेंट रैंडम क्या है, अचानक बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमें तो हमने एक प्रेडिक्शन कर दिया, हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा तो हमारे बाप का क्या जाता है, ठीक है? तो इस तरीके के हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। आपके पास अचानक जिसका एक्सपेरिमेंट जिसकी हमें फाइनल वैल्यू पता ही नहीं है कि क्या आने वाली है, फाइनल वैल्यू को मालूम ही नहीं है कि क्या आने वाली है, और जिसकी हमें फाइनल वैल्यू, आपका एक्सपेरिमेंट फाइनल वैल्यू को नहीं मालूम है कि क्या आने वाली है, उसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? अब बात टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम का क्या मतलब है? जब एक डाइस को थ्रो किया, टोटल आउटकम कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम ये भी कह सकते हैं आप, सब पॉसिबल का मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतने आउटकम, ठीक है? हमने एक डाइस को रोल्ड आउट किया, एक डाइस को छाला, जैसे ए डाइस,
आपने एक डाइस को उछाल दिया, जैसे आपने उछाला तो हुआ क्या चीज, आपने अपना डाइस को उछालते ये पाया कि जमीन में नंबर एक से लेकर छह तक में कुछ भी गिर सकता है, एक से लेकर छह तक में कुछ भी गिर सकता है। तो जितना भी आपने डाइस को रोल आउट किया तो आपके पास माइंड में क्या क्या हो सकता है, या तो एक सामने फ्रंट में आ सकता है, या तो दो फ्रंट में आ सकता है, या तो तीन फ्रंट में आ सकता है, या चार फ्रंट में आ सकता है, या पांच फ्रंट में आ सकता है, या छह फ्रंट में आ सकता है। ये है आपके पास ये टोटल पॉसिबल नंबर जो रोल्ड करने के बाद में आपको मिल सकते हैं एट वन टाइम्स। ठीक है, रोल्ड करने के बाद में ये नंबर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, यही नंबर मिल सकते हैं, इनमें से कोई एक नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि आप रोल्ड आउट किए आपने डाटा को, डाइस को रोल्ड आउट किया, रोल्ड आउट करने से आपको क्या मिला, सात मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपके डाइस में छह तक नंबर है, छह तक नंबर में से कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। जब एक से लेकर छह तक का कोई भी नंबर मिल सकता है तो वो पूरा कलेक्शन, वो पूरा नंबर क्या कहलाता है, पॉसिबल आउटकम कहलाता है, पॉसिबल आउटकम कहलाता है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कहलाता है। अगर आप उस पूरे डाटा को कलेक्ट करके बात करें तो पूरा डाटा आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहलाएगा। और अगर हम इसको कर्ली ब्रेसेस में कैद कर देते हैं तो कर्ली ब्रेसेस में अगर कैद कर दिए, सुनिए, अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में कैद कर दिए, कैद करने के बाद इसका पूरा कलेक्शन सैंपल स्पेस कहलाता है, जस्ट सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। सब समझ में आया क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके पास, टोटल आउटकम्स क्या, वही है टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज होता है ये तो समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज नीचे के बटन को सब्सक्राइब कर, अगर आप चैनल में नए हैं, और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई अपडेट तुरंत ही मिलती रहे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा आपका कनेक्शन हमेशा बना रहे और आपके मार्क्स अच्छे आए ऐसी हमारी दुआ रहेगी और हमारी मेहनत रहेगी। ठीक है, आपकी और हमारी मेहनत से ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो सैंपल्स पे समझ आया, अब सब आता फेवरेबल आउटकम, जैसे हमने कॉइन को छाला, हमें क्या चाहिए, हेड, जो हमें चाहिए कॉइन को छालने के बाद में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन जो हमें चाहिए हमारे फेवर के और होना चाहिए, हमारे फेवर में आना चाहिए, उसी डाटा को हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हेड आना, हेड आना हमारा फेवर है, यानी हमारी जीत है कि हेड ही आना चाहिए, तो उसी हेड को हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो घटित हो, जो इवेंट हो, वही फेवरेबल आउटकम कहलाता है। हमें चाहिए एक डाइस को रोल करने के बाद हमें चाहिए एक प्राइम नंबर चाहिए कि भैया जो भी मिले प्राइम नंबर ही मिलना चाहिए। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर एक से लेकर छह तक में से कितने हैं प्राइम नंबर, उनमें से कुछ भी चल जाए आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो भैया या तो प्राइम नंबर दो आ जाए या तीन आ जाए या तो पांच आ जाए, यह हमारे फेवर में प्राइम नंबर की हमने डिमांड करी है कि गेटिंग ए प्राइम नंबर, हमने डिमांड करी है प्राइम नंबर की, और जो हमने डिमांड करी है अगर वही मिलता है तो हमारे फेवर में है, और अगर नहीं मिलता है तो हमारे फेवर में नहीं है। तो हमारे फेवर में जो इवेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम, जस्ट लाइक गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमको पाना है तो हमारे फेवर में प्राइम नंबर होने चाहिए, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, टू है, थ्री है, फोर है, तो हमारे फेवर में या तो टू आ जाए
यकृत है या तो फाइबर है, इन्हीं का कनेक्शन है। ये हमारे फेवर में आने वाले डाटा को फेवरेबल आउटकम्स कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप बेटर तरीके से। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज हिट द बटन ऑफ रेड कलर, ठीक है। आप रेड कलर के बटन को हिट करें, जैसे हिट करेंगे बहुत सुकून मिलेगा तुमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल आउटकम समझ में आया, प्रोबेबल पॉसिबल आउटकम समझ में आया, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया, यहां तक की प्रोबेबिलिटी समझ में आया, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ऐसे टर्म लेते हैं प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो क्या चीज है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, मेजर करना किसी भी चीज को, अनसर्टेनिटी को मेजर करना ही प्रोबेबिलिटी है। अनसर्टेनिटी को मेजर करना प्रोबेबिलिटी है। तो समझते हैं बात को, क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या है कि आप आइए आइए कि ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार एक डाइस को थ्रो किया, तो जब डाइस को थ्रो किया गया तो डाइस को थ्रो करने के बाद पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, एक दो तीन चार पांच और छह, ये आ सकता है। अगर ये आ सकता है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डाइस थ्रोन वंस, एक बार डाइस को थ्रो किया तो ये चीज आ सकते हैं, और अगर ये चीज आ सकते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। भैया हमारे पास, हमें फेवर में क्या क्या चाहिए, हमें फेवर में चाहिए कि ए प्राइम नंबर गेटिंग एंड इवेन नंबर, हमें एक इवेन नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा गेटिंग, पहला और दूसरा गेटिंग एन ऑड नंबर, तीसरा गेटिंग ए नंबर लेस देन सेवन, चौथा गेटिंग ए नंबर सेवन। आपको ये चार है आपके पास फेवर में, एक है फेवर आपका ये। तो अगर आप गेटिंग एन इवन नंबर आप चाहते हैं तो इवन नंबर आपके फेवर में कौन कौन से, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी हमारे फेवर में आएगा उसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास फेवर क्या है इवन नंबर आने का, एक है ये, एक है ये, एक है ये, तो टू फोर और सिक्स, यह है इवन नंबर। उसके बाद ऑड नंबर के फेवर कौन कौन से, ऑड नंबर आने के फेवर है हमारे पास में वन थ्री और फाइव, यह ऑड नंबर आने के फेवर। उसके बाद गेटिंग ए नंबर लेस देन सेवन, लेस देन सेवन आने के फेवर कौन, सात से कम आना चाहिए, सात से कम तो सभी है, इसका मतलब हमारे फेवर में सभी है। गेटिंग ए नंबर सेवन हमारे फेवर में, गेटिंग ए नंबर सेवन ऐसा संभव है क्या, डाइस को थ्रो करते समय नंबर आपको क्या मिल जाए, सात मिल जाए, इंपॉसिबल। इंपॉसिबल इवन। अब यही बात हम एक शब्द समझा देते हैं, इंपॉसिबल इवन क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो एक्सपेरिमेंट करते समय संभव ही ना हो। जैसे डाइस को छाला सात आना चाहिए और डाइस में जब सात है ही नहीं तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट
जिसमें आप आपका फेवर जो है फेल हो जाए, संभव ही ना हो, आप लाख कोशिश कर दो कि उस एक्सपेरिमेंट का आप एक्सपेरिमेंट में आपका फेवर संभव ही ना हो। तो जब संभव ही नहीं है, कभी भी संभव नहीं है, तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे डाइस को थ्रो करने के बाद में आपको क्या मिले? सेवन मिले, तो वो इम्पॉसिबल है। एक कॉइन को थ्रो करते समय, एक कॉइन को टॉस करते समय आपको हेड एंड टेल दोनों मिले, एक ही बार में मिले, तो इम्पॉसिबल है कि हेड और टेल एक साथ मिले। सिक्के के दो टुकड़े थोड़ी ना हो जाए, ठीक है, एक ही रहेगा ना, सिक्का एक ही है, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना गिरेंगे, ठीक है। तो उस तरीके का जो सेट है आपका, वो है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा कब हुआ क्या, तो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इक्वल टू फेवरेबल आउटकम यानी हमारे फेवर का आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है फेवरेबल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो हम यहां बात डिस्कस करते हैं भैया, ये जो पी है, पी कैसा नंबर? इवेन, पी इवेन नंबर, पी मीन प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, किसका मेजरमेंट, इवेन नंबर आने के मेजरमेंट कितने हैं, इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं। तो भैया कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स में, कितने नंबर हैं फेवरेबल आउटकम्स, नंबर लिख लें, फेवरेबल आउटकम्स नंबर और टोटल आउटकम्स नंबर, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स नंबर कितने हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो ये हो गया तीन। इसके बाद टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल तो यही है, कितना हो गया, पांच छह, पहले मिले वन बाय टू, पी ऑड। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तीन ही है फिर यहां पर। और अब देखें सिक्स, ये हो गया वन बाय टू। यहां पास अगर देखा जाए गेटिंग नंबर लेस देन सेवन, तो यहां पास पी लेस देन सेवन, लेस देन सेवन, लेस देन सेवन क्या मिलेगा, सिक्स नंबर आ जाएगा, सिक्स बाय सिक्स क्या मिलेगा। अब आपको सात चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सेवन, पी सेवन, तो जीरो है भैया, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पर किसी भी डी एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इक्वल टू 0.1, इसका भी मतलब इज इक्वल टू 0.5, ये 1 है ये 0 है। आप ये देख रहे होंगे किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जो सबसे कम मेजरमेंट है वो 0 है, और सबसे ज्यादा मेजरमेंट है टोटल, अगर टोटल पॉसिबल आउटकम भी आ गए, टोटल पॉसिबल आउटकम ही फेवरेबल बन गए, जैसे यहां पास टोटल पॉसिबल आउटकम ही फेवरेबल बन गया, तो आपको मैक्सिमम मेजरमेंट कितनी मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, 1। तो हमने यहां पास क्या पाया कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी वो तो 0 से बड़ी, यहां पास 0.5 0.5 है, 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी या तो 0 से बराबर होगी, बट एक या एक से छोटी होगी, एक या एक से छोटी होगी। दूसरी बात ये चीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर ये, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 और ग्रेटर, आपके पास लेस मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 और दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे की तरफ अगर बात करें बच्चे, तो यहां पर अगर देखें, यहां पर डाइस में कितने नंबर है, डाइस में दो तरीके के नंबर थे, एक ऑड नंबर था एक इवेंट। अगर हम ऑड और इवेंट में बात करें तो हमारे पास ऑड नंबर है और इवेंट नंबर है। ऑड और इवेंट की अगर बात करें, तो ऑड और इवेंट की बात करें, तो हमारे पास ऑड के तीन नंबर थे और इवेंट के तीन नंबर थे।
कि भैया हमें और चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए था, इवन नहीं चाहिए था, हमें और चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए था, इवन नहीं चाहिए था। अगर आपके पास मेजरमेंट आपके फेवरेबल की और फेवरेबल की जो नहीं है, दोनों मेजरमेंट अगर सम कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? अगर हमने यहां पर ऑड की और इवन की दोनों को सम कर दिया जाए तो हमें व्हाट मिलेगा? इसका मतलब हम कह सकते हैं पी इवेंट प्लस इवेंट आने की और इवेंट ना आने की। भैया अगर हो सकता है कि इवेंट ना आता तब जाता, इवेंट ना आता तो जाए के बाद ऑड आता। पी इवेंट आने की और पी इवेंट ना आने की, इवेंट ना आने का मतलब क्या है? और इसको हम कहते हैं पी नॉट इवेंट, पी नॉट इवेंट, पी नॉट इवेंट का मतलब क्या है? और दो ही नंबर तो है, या तो इवेंट या तो ऑड। तो हम कहते हैं पी इवेंट प्लस पी नॉट इवेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, या तो सिंपल नॉट इवेंट लिख दिया जाता है। तो पी इवेंट प्लस पी नॉट इवेंट दोनों का सम कितना होगा? वन होगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। आप जीरो प्लस फाइव और जीरो प्लस फाइव ऐड करेंगे आपके पास क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो ये पॉइंट याद करिए, वो पॉइंट याद करिए, और आपके पास जो डिस्मिशन वगैरह है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गए, बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके पास, इवेंट और ऑड का मतलब समझ में आ गया। और आपको पता चल गया कि आपके पास इवेंट का होना और इवेंट का ना होना, जैसे आपने मैंने दर्शा दिया आपके पास आपका इवेंट आना और इवेंट का ना आना, इवेंट आना इवेंट का ना, दोनों का सम कितना है? वन है। ये ध्यान रखिए, याद आपको आगे देखकर इम्पॉसिबल इवेंट क्या है वही समझा दिया, ठीक है? अब बात करते हैं श्योर इवेंट क्या है। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट, सर्टेन जिस एक्सपेरिमेंट के डाटा के बारे में हमको पहले से जानकारी है, यानी हमारी उसकी प्रेडिक्शन एकदम कंपल्सरी है कि वही चीज होने वाला है। जैसे केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, आपको पता है पहले से ही कि ये एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट आने वाला है, वो श्योर है कि वो ही आएगा, उस इवेंट को क्या नाम दे दिया गया है? श्योर इवेंट। वो 100% आपका आना ही आना है, तो उस तरीके की प्रोबेबिलिटी की जो मेजरमेंट होती है वो वन होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, श्योर इवेंट का जो मेजरमेंट होता है वो वन होता है, प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की कितनी होती है? वन होती है, क्योंकि आपको उसमें जिस डाटा के बारे में आपको पहले से पता है यही होगा, जिस डाटा के बारे में आपको पहले से ही पता है, आपने क्या किया? आपको मैं कहूं कि आप जानते हैं कि बारिश कल होगी, जानते हैं बारिश कल होगी, तो आपके लिए क्या श्योर है? जानते हैं, पूरी कॉन्फिडेंस से आप पूरा जानते हैं कि बारिश होगी, तो वो आपके लिए श्योर इवेंट है। आप जानते हैं रमेश कल घर आएगा, पहले से फोन करके बता दिया आपने, जो लोगों से बोला रमेश कल घर आएगा, तो रमेश जब कल घर आएगा तो पहले से मालूम है, श्योरली वो घर आएगा, क्योंकि उसने फोन करके बताया हुआ है। तो ये जो आपके पास पहले से पूरी जानकारी, इससे डाटा आप जो कहते हैं कि आपको यही होने वाला है, उसी को कहते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है पी श्योर या सर्टेन, पी श्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन होती है बेटा। क्या होती है? पी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन होती है, ठीक है? तो ये जानकारी आपको देनी बहुत ही जरूरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोबेबिलिटी क्या है और डाटा का इंटरप्रिटेशन क्या है।